इंग्लिश में हम हिसाब किताब अकाउंटिंग के ताल्लुक से जो जो चीज़ें यूज़ होंगी उसके ताल्लुक से पढ़ेंगे। अकाउंट मतलब हिसाब, ऑक्शन मतलब नीलामी या हराजी में जो आता है ऑक्शन में है, ऑक्शन सेल चालू है। उसी तरह बैलेंस यानी बाकी, बैंकरप्ट हो जाना मतलब दिवाले निकल जाना, या फिर कोई कंपनी डूबने पर कगार पर आती, बैंकरप्ट हो गई, खाली हो गई, तो दिवालिया। अकाउंट बुक हिसाब की किताब को कहते हैं डायरी मतलब रोज नामचा। उसी तरह से ब्रोकेज, ब्रोकेज दलाली को कहेंगे बंडल, गठरी। उसी तरह से कैश मतलब नकद, कैपिटल असल पूंजी, रेडी मनी, रेडी मनी मतलब जरे नकद। एक्सचेंज को कहेंगे तबादला, चेक यानी कि चेक को कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट यानी कि ठेका लेना, क्रेडिट उधार, और गुड्स यानी कि माल, जो भी सामान पे डील होंगे उसको कहेंगे गुड्स। उसी तरह रिटेल करना मतलब चिल्लर फरोश या बेचना, तो उसको बोलेंगे रिटेल। होलसेल मतलब थोक फरोश, या जो सामान देता है होलसेल में बेचने के लिए, ज़्यादा खरीदना पड़ता है, कम कीमत पर मिल जाता है। प्रॉफिट यानी कि नफ़ा, गेन भी कहते हैं जो पा रहे हैं हम, जो हम पा रहे हैं वो चीज़ों को। उसी तरह लॉस यानी कि नुकसान को कहते हैं। एजेंसी जो होती है वो कोई एक कंपनी या फिर कोई एजेंसी होती है। एग्रीमेंट यानी कि करारनामा। अमाउंट को कहेंगे मिकदार, रकम, और बार्गेन मतलब मामला, परसेंट मतलब फीसद में, इंटरेस्ट मतलब सूद, प्राइस मतलब कीमत, कॉस्ट मतलब लागत जो लगाते हैं, और डैमेज मतलब कोई नुकसान, डेप्ट मतलब कर्जा, लिस्ट यानी कि फहरिस्त, एक्सपेंस यानी खर्च। उसी तरह किराए को कहेंगे फेयर हायर। उसी तरह तिजारती माल को कहेंगे मर्चेंडाइज। उसी तरह छट्टी, चिट्ठी या खत को कहेंगे लेटर। तनख्वाह को कहेंगे पे करना, मजदूरी यानी वेजेस, रकम मुबल्लिग यानी के सम इसको कहेंगे, व्यापार या तिजारत को कहेंगे कॉमर्स, और तिजारत को ट्रेड। तो ये थे अकाउंटिंग के ताल्लुक से। नेक्स्ट वीडियो में हम रेलवे के मुतालिक पढ़ेंगे।